हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक 4440 एम्पलीफायर की वॉल्यूम चेंज करके दिखाएंगे दोस्तों। और इसकी वॉल्यूम बहुत खरखरा रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रही है फ्रेंड्स। तो चेंज करते हैं वॉल्यूम और वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देख सकते हैं आप लोग, तो प्लग लगा लेते हैं और आपको चेक करा के दिखाता हूँ दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों स्पीकर लगा लेता हूँ, स्पीकर का तार लगा लेता हूँ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप लोग को मिलती रहती है दोस्तों। तो लगा लेते हैं हम तार, और तार लगाने के बाद आपको चेक करा के दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है दोस्तों इस एफएम में एम्पलीफायर में, 4440 का एम्पलीफायर दोस्तों। इसकी 6 वॉल्यूम कटी हुई हैं, 6 चेंज करेंगे हम। पहले चैनल दिखाते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी कटी हुई है। फटाफट स्पीकर के तार निकाल के चेक कर रहे हैं, खोल लेते हैं एम्पलीफायर को फटाफट दोस्तों। तो इस ढक्कन को निकाल लेते हैं हम, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो दोस्तों। 4 से 5 मिनट का वीडियो आप आसानी से इसके मदद से वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस वीडियो में, बने रहें। देख सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा सा भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके तीनों वॉल्यूम हम खोलेंगे, थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और उसके तीनों वॉल्यूम खोल लेते हैं हम और चेंज करेंगे दोनों तीनों वॉल्यूम इसके बड़े तरीके से, बने रहे इस वीडियो में दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाएंगे। हमने सारी इसकी नॉब निकाल ली जो भी हैं, अब इसे खोल लेते हैं नॉब प्लास की मदद से, किसी प्लास की मदद से इसकी सारी नॉबें खोल लेते हैं इस तरीके से। और हमारी वॉल्यूम आ चुकी है दोस्तों बाहर, और जो हमारे पास नई वॉल्यूम है वो भी दिखाते हैं आपको। और कर लेते हैं इसमें सोल्ड, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। यह है हमारे पास वॉल्यूम, जो कि हम नई वॉल्यूम दोस्तों चेंज करेंगे इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप इसके वायर लगाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले ब्लैक वाला वायर पहले वाले पॉइंट में लगाएंगे इस तरीके से, और रेड वाला बीच वाले में, और येलो वाला साइड वाले में दोस्तों। जिस तरीके से आप इसके वायर निकालेंगे उसी तरीके से लगा देना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों ये, देख सकते हैं आप लोग। तो इस वाले ब्लैक वाले वायर को लगा लेते हैं हम सबसे पहले इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। और अब लगाएंगे हम येलो या रेड वाले को, सॉरी दोस्तों। तो ये हमारा ब्लैक वाला वायर अभी सही से नहीं लगा है, सही से लगा लेते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग लग चुका है। अब लगाएंगे रेड, फिर लगाएंगे येलो दोस्तों। इसी तरीके से लगाना है, एक निकालना है एक लगाना है इस तरीके से। तो सबसे सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, सबसे सिंपल तरीका है, देख सकते हैं आप लोग। अब लगा लेते हैं हम ब्लैक वाले को, सॉरी रेड वाले को, रेड वाले को लगा लेते हैं। इसके बाद येलो वाले को लगाएंगे दोस्तों, जो कि हमारा पीला वाला वायर है। तो आप शोल्डर ले लेते हैं जिससे टाँका मजबूत आ जाए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। लगा लेते हैं येलो वाला वायर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे तरीके से। तो हमारे वायर लग चुके हैं फ्रेंड्स, अब इन वॉल्यूम को लगा लेते हैं, कस लेते हैं इसमें, फिर उन नीचे वाला पेयर चेंज करेंगे हम इस तरीके से। सारी वॉल्यूम चेंज कर लेना है, मैंने आपको एक करके दिखा दी, देख सकते हैं। तो हमने 3 ऊपर की कस ली हैं और नीचे की 3 भी चेंज कर ली है हमने। तो कस लेते हैं फटाफट और आपको चेक करा कर दिखाते हैं। हमने 6 वॉल्यूम दोस्तों चेंज कर ली है इसकी, थोड़ा वीडियो स्किप करा था जिससे वीडियो लंबा ना हो। और इसकी जो नॉब लंबी है, इस नॉब को काट के इसके हिसाब से सारी नॉब पे लगा देना है। तो कस लेते हैं नॉब प्लस की मदद से, तो पूरी कट चुकी है दोस्तों। नॉब लगा लेते हैं इसकी, जो आगे की जो ज़्यादा निकली हुई है नॉब काट के इस तरीके से, और 6 नॉब लगा लेते हैं इसकी, 6 नॉब कंप्लीट तरीके से, देख सकते हैं हम लोग। और स्पीकर लगा के चेक करा के दिखाएंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, वॉल्यूम हमारे कंप्लीट डल चुके हैं इसमें। अब लगा लेते हैं स्पीकर और चेक करा के दिखाते हैं आपको कि ज़रा सी भी सतराहट नहीं होगी दोस्तों इसमें, देख सकते हैं आप लोग। तो लगा लेते हैं स्पीकर्स के, स्पीकर का वायर फटाफट, पावर सप्लाई लगा के चेक करा के दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ